हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू सो वी ऑल नो कि सीमैट के थ्रू आप थाउजेंड प्लस कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो लेकिन क्या आप एनआईटीस को भी टारगेट कर सकते हो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज यस गाइस काफी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है ये यह, यहां आपको काफी कम फीस स्ट्रक्चर मिलने वाली है एंड इवन यहाँ के जो प्लेसमेंट स्टार्ट है बड़े ही अमेजिंग है सो गाइज इफ यू नॉट टारगेट दी लो बजट कॉलेजेस वो प्रोवाइडिंग द बेस्ट आर ओ आई देन गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कौन से पर्टिकुलर एनआईट को आप टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिकली विल टॉक इन डिटेल सो भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइज अगर सीमेंट को लेकर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया यू कैन स्टार्ट प्रिपेरेशन विद एस यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस एट डोम्बली घाटकोपर एन दादर एंड फैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंट्रेक्ट डों गेट टू डाउनलोड अवर एप वेर यूलोर्स और सारे अपडेट्स के लिएग्राम सो वेरी फर्स्ट वन यू केगेट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला काफी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है आपको एम बी का प्रोग्राम भी मिल जाएगा देखो बेसिकली जो एनआईटीज होते हैं दीज आर फॉर द बीटेक प्रोग्राम राइट यहां आपको बीटेक मिल जाएगा यहां आपको एम मिल जाएगा

आपको सारे NITs की एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अगर आप CMAT का एग्जाम दे रहे हो भाई ठीक है है आपको 50 CMAT मांग रहा है, लेकिन ये आपसे 60% कहेंगे आपके ग्रेजुएशन में सो so, सारे एनआईटीज को लेकर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है इनकी एलिजिबिलिटी मेंशन होती है लाइक दिस सी आपका 6.5 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओपन कैटेगरी और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका जो सी है वो सिक्स होना चाहिए यानी कि आपके यहाँ परसेंटेज होने चाहिए सिक्सटी परसेंट एंड रिजर्व कैटेगरी से हो तो होने फिफ्टी फाइव परसेंट ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सो so, अगरतला से आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा फाइव पॉइंट फाइव फाइव एलपीए और हाइस सी टी सी मिल जाएगा आपको एट पॉइंट फोर सिक्स गाइज लो बजट कॉलेजेस है लेकिन फैसिलिटीज पूरी मिलेगी आपको बिकॉज दीज आर दी एन आगे बात करते हैं डीएमएस मनित दी मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर काफी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है वेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां जो प्रोग्राम आपको मिलने वाला है उसकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है थ्री लैख एंड ट्वेंटी थाउजेंड एवरेज पैकेज यहां आपको मिल जाता है फाइव पॉइंट सिक्स एल पी ए वही हाइस्ट पैकेज की अगर बात करूं सिक्सटीन एल पी ए सो भाई आर ओ आई में सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपको यह मिलने वाला है आप जरूर इसे टारगेट कीजिएगा डीएमएस मनित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और गाइज मैंने लो बजट कॉलेजेस में भी इसे इनलिस्ट किया है क्योंकि इनकी फैसिलिटीज बड़ी अमेजिंग है ठीक है इन डिटेल आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस पर्टिकुलर पे इवन किस पर्टिकुलर कॉलेज पे आपको पूरी इन डिटेल वीडियो चाहिए मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा और उनके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा okay आगे बढ़ते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर यू विल गेट दी स्ट्रक्चर ऑफ टू पॉइंट टू लैक एवरेज सिटी सी यहां आपको मिलने वाला थ्री पॉइंट फाइव एलपीए और हाईस्ट सिटीसी टेन एल पी ए वही अगर नेक्स्ट वन की बात करूँ यू कैन टारगेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर पंजाब देखोगा इस बीटेक के लिए ये इंस्टीट्यूट काफी फेमस है इनके जो पैकेजेस है वो ऑलमोस्ट थर्टी एल पी ए फिफ्टी एल पी ए क्रॉस कर जाते हैं दी हाइस्ट पैकेज ठीक है लेकिन हम बात कर रहे हैं एम बी ए प्रोग्राम को लेकर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ओनली वन लैक एंड ट्वेंटी थाउजेंड मतलब पर सेमेस्टर जो आपकी फीस होती है वो ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड होती है सिर्फ ठीक है एवरेज पैकेज है आपको मिल जाएगा फोर एलपीए का एंड हाइस्ट पैकेज टेन एलपीए यू कैन गेट नेक्स्ट वन यू कैन टारगेट दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र के दो डिपार्टमेंट्स है एक है जो अंडर द गवर्नेंस है एंड सेकंड वन दी सेल्फ फाइनेंस ठीक है ऑल्सो एम को लेकर जितने भी एनआईटीज है यहां आपको सीट्स बड़ी कम मिलती है किसी एनआईटी में 44 मिल जाएगी किसी में आपको 58 मिलेगी किसी में सिर्फ 34 मिलेगी सो so, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करना है और उसके हिसाब से ट्राई करना है देखो इनके सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स भी होते हैं कोई आपके सीमैट को फिफ्टी परसेंट वेटेज देगा तो कोई आपको सिर्फ सीमैट को एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम एक्सेप्ट करने वाले ठीक है और उसके बाद आपके टेंथ ट आपके ग्रेजुएशन आपके वर्क एक्सपीरियंस आपके पर्सनल इंटरव्यू इवन जीडी, डी इवन वैट इनको भी वेटेज देने वाले सो so, सारी जो चीजें वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी उसे पहले गो थ्रू करना है और उनके बाद अपने रिस्पेक्टिव एनआईटीज को चूज करना है उनके फॉर्म फिलअप करना है ठीक है यहाँ जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है टू पॉइंट टू लैक एवरेज सी आपको मिल जाएगा सेवन पॉइंट सिक्स नाइन एंड हाइस्ट सी टी सी थर्टीन पॉइंट फाइव एट दैट्स ग्रेट गाइ सो एनआईटी कुरुक्षेत्र जरूर टारगेट कीजिएगा नेक्स्ट वन यू कैन टारगेट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोडकेला यहां फाइव पॉइंट की फी स्ट्रक्चर होने वाली है एवरेज सिटीसी आपको उतना ही मिल जाता है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5.36 आपको मिल जाएगा एंड हाइस्ट पैकेज सेवन पॉइंट टू एल पी एस काफी डिसेंसर इंस्टीट्यूट है यू शुड टारगेट इट नेक्स्ट वन यू कैन टारगेट द एनआईटी दुर्गापुर फी स्ट्रक्चर यह काफी नोमिनेट है वन पॉइंट थ्री लैख एवरेज सीटीसी यहां चला जाता है फोर एल पी ए हाइस्ट ऑल द ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है एज पर द रिसर्च आई गॉट द फिगर टेन पॉइंट टू एल पी ए आप अगर एनआईटीज को टारगेट कर रहे हो दुर्गापुर को एट लास्ट प्लेस पर रखिए और बाकी सारे जो एनआईटीज मैंने बताएगा इनको आप टॉप पर रख सकते हो देखो गाइज रैदर देन टू टारगेट नॉर्मल बी स्कूल अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हो सच एज दिन आईटीज जहां आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है देन इट्स वर्थ इट क्योंकि यहाँ फी स्ट्रक्चर बड़े ही कम होते हैं और प्लेसमेंट स्टार्ट्स बड़े ही अमेजिंग है सो वन टारगेट ऑल दिसन आई टीज स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीमेट एंड वन आ क्रैक सीमेंट यू कैन जॉइन एस एट डोबोली घाट को परन्द दादर इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर लाइव क्लास डोंट फॉर टू डाउनलोड अवर ऐप वेर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम दट्स ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर See you in the next video.